बागेश्वर धाम सरकार अर्थात बागेश्वर महाराज और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इनका काफ़ी डिबेट अभी मीडिया पर चल रहा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संगठक संस्थापक हमारे मित्र श्याम मानव, उन्होंने चैलेंज दिया है बागेश्वर धाम सरकार महाराज को कि भाई आप जो चमत्कार करते हैं वो चमत्कार सिद्ध करके बताइए, और वो भी फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में, और 30 लाख रुपए का इनाम पाइए। अभी तक पिछले 40-45 साल से मैं देख रहा हूँ कि यह इनाम किसने जीता नहीं है, क्योंकि चमत्कार ऐसा कोई फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में करके बता सकता नहीं, वो हाथ चला के रहती है या जादू रहती है। ये जो है कि बागेश्वर महाराज जो है वो लोगों की मन की बात जान लेते हैं, ये हनुमान की कृपा है, बालाजी की कृपा है, ये कोई आर्ट पीट नहीं है, मतलब ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आर्ट है, कला है। लोग बोलते हैं कि मेंटलिज्म है या मेंटलिस्ट लोग करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एज ए साइकियाट्रिस्ट बताता हूँ कि किसी की मन के अंदर की बात आप 100% जान नहीं सकते, ऐसा कोई टेक्निक नहीं, कुछ भी ऐसा साइंस नहीं कि भाई आप किसी के मन की बात जान लो, कुछ भी नहीं। सुहानी शाह जो वेल नोन जादूगर है, उसने भी सेम जादू, सेम चमत्कार जो बागेश्वर महाराज करते उसने करके बताया हुआ है, और उसने बताया कि ये जादू है, और जो लोग हैं भोले भाले उन्होंने इनके घेरे में नहीं आना चाहिए और अपने आप को लूट कर नहीं लेना चाहिए। महाराज बोले कि मैं किसी को पैसा नहीं मांगता, तो कोई भी महाराज किसी को पैसा नहीं मांगता है, और जो भी महाराज पैसा नहीं मांगता है ना, उसके पास में बहुत पैसा आता है कि लोग देते रहते हैं, क्योंकि चमत्कार हुआ तो लोग नमस्कार करते हैं। इनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये हिप्नोटिज्म से भी नहीं होता है कि भाई हिप्नोटाइज किया और आपके मन की बात जान लिया, मतलब उसको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता कि मन के अंदर विचार चालू है और आपके मन में विचार चालू मैंने जान लिया, ऐसा नहीं होता है, वो ट्रिक्स है। जैसा सुहानी शाह ने संदीप माहेश्वरी के शो में, सुहानी शाह आई थी और उसने संदीप माहेश्वरी जी को बोला कि आप कोई भी आपके रिलेटिव का नाम मन में लाओ और बोलो कौन सा नाम है, और उसने संदीप जी ने बोलने के पहले उसने लिख दिया निपुण, वो स्लेट के ऊपर निपुण लिख दिया, और उन्हें बोलने के बाद में वो प्लेट खोली, बोले देखो मैंने पहले से लिख के रखा है, आपके मन में जो नाम था वो मैंने लिखा है। अभी बताइए कि उनके मन में नाम था तो उन्होंने, आपने देखा होगा वीडियो वो गौर से, वहाँ उन्होंने बताया सुहानी शाह ने कि भाई आप है ना नाम और सरनेम, वो सरनेम काट डालो, सिर्फ नाम रखो, मतलब छोटा होना, 3-4 लेटर का होना, 4-5 लेटर का होना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना, और सरनेम नहीं होना। तो इसमें क्या है, वहाँ जादू है, स्लेट क्यों लगती है आपको, भाई हम स्लेट देंगे आपको, हम चौक देंगे, हम देखेंगे कि आपके हाथ में कुछ है क्या, क्योंकि ये जादू एक्सपोज की हुई है, इसका भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो आया है कि वो अंगूठे के ऊपर ऐसे स्किन कलर का सेम एक मास्क डालते हैं, उसमें चौक है, और जैसे ही वो बोलता है संदीप जी माहेश्वरी बोलते हैं कि निपुण, तो वो बोलने के पहले इतना उसका मतलब फास, अभी 25 साल से वो सुहानी शाह कर रही है, वो बोलने के पहले उसमें निपुण लिख देती है और बोलती है देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है, एक्चुअली उसने पहले से लिखा नहीं रहता है, उन्होंने बोलने के बाद में कुछ क्षण में वो निपुण लिख देती है। तो ये उन्होंने उसने एक्सपोज किया है सुहानी शाह को, और सुहानी शाह को एक्सपोज करने कोई कारण, बोलती जादू है ये, तो एक्चुअली एक्सपोज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, कि वो जादू विदू नहीं, वो जो बोलते रहते हैं वो, उनको कागज पेन कहा को ना लिखने के लिए, मतलब उसके ऊपर क्यों, कोई सामने आदमी आए बोल दो ना क्या है, तो उसके मन में क्या चालू है, तो और फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में होना है ना, ऐसा कोई एक व्यक्ति को बोला ऐसे नहीं, हम लाएंगे 10 लोग, बोलो उनके मन में क्या चालू है, तो और एक नाम क्यों, पूरा सेंटेंस लिखो ना उसके मन में क्या चालू, उन्हें लिख के देना है 10 लोगों ने, एक एक पन्ना लिख दो, एक एक पन्ना लिखना चाहिए पूरा, और 10 लोगों ने बोलना चाहिए, और एक 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 करके बता दो क्या है। फ्रॉड प्रूफ में कोई भी महाराज कोई भी बाबा यह जादू नहीं करता है कि उसको मालूम है कि यह फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि स्लो मोशन में मालूम पड़ेगा कि उसने कब लिखा है, कौन से समय हाथ ने लिखा हुआ है, कब उसने हाथ चलाकी की, ये सब मालूम पड़ जाता है। तो ये लोगों को फंसाने का कार्यक्रम है, लोगों को अपने पीछे लगाने का कार्यक्रम है, ऐसा कोई भी महाराज बाबा चमत्कार नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में यह कायदा है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने यह कायदा करने के लिए शासन को मजबूर किया, और शासन ने कायदा किया हुआ है, ये महाराज यदि यहाँ रहता था तो डेफिनेटली उनको अरेस्ट करते थे, क्योंकि ये लोगों को फंसाने का कार्यक्रम है, पुलिस को अरेस्ट करना ही पड़ता था। अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस ने उनको पहले बता दिया होगा कि आप यहाँ से निकल जाओ,
ताकि ये कंडीशन नहीं आए, क्योंकि भक्त लोग जो रहते हैं वो अंधे रहते हैं, आंखें खोल के भी खुली आंखों में अंधे रहते हैं और वो कुछ भी करते हैं। फिर हिंदू लोग आ जाएंगे बोले कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, हिंदू धर्म का क्या संबंध है इसका? वो कोई हिंदू के खिलाफ थोड़ी समिति बोल रही है कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ है। हम समिति बोलती है हम हिंदू धर्म के खिलाफ भी नहीं, भगवान के खिलाफ भी नहीं है, हम ये बाबा महाराज के खिलाफ भी नहीं है, जो बाबा महाराज जो लोगों को फंसाते हैं उसके खिलाफ। तो लोगों ने इसमें कुछ फंस के नहीं जाना चाहिए। कोई जादू है वो, मतलब सभी जादू है, हाथ चालाकी है, साइंस है उसके पीछे, और वो एक्सपोज करने की जरूरत रहती है। जो नहीं मालूम जिनको, वो भोले भाले लोग फंस जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।